नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम चूड़ीदार का कटिंग किस तरह से करते हैं, उसका कटिंग स्टिचिंग का पूरा होल ट्यूटोरियल हमने इस वीडियो में बताया है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से और आसान तरीके से हमने यहाँ पर यह पूरा ट्यूटोरियल एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर हमने चूड़ीदार कटिंग का चार्ट भी इस वीडियो में दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप किसी भी लेंथ साइज का, हिप साइज का या किसी भी उम्र के लड़की के लिए चूड़ीदार बना सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, और अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको स्टिचिंग से रिलेटेड सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे। यहाँ पर हमारी लेंथ यानी लंबाई 41 इंच है, नी लेंथ यानी घुटने की लंबाई 24 इंच है, बॉटम यानी कि मोरी 9.5 इंच यानी 9.5 इंच है, सीट हमारा 38 इंच है, और नी राउंड हमारा यानी कि घुटने का घेर हमारा 14.5 यानी 14.5 इंच है, बेल्ट हमारी 7 इंच है, और क्रॉच जो होता है वो हमें निकालना होता है सीट का तीसरा यानी 38 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो आ रहा है 12.6। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेजरमेंट डालेंगे। ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है और हम इसे बायस फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमारा चूड़ीदार का जो मेजरमेंट होता है हम यहाँ बायस कपड़े के ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि बायस कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेच होता है जब हम उठते बैठते हैं तब, तो वो अच्छे से बैठ जाता है। तो ये हमने बायस फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर हमारे मेजरमेंट्स लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी लेंथ है, और लेंथ के अकॉर्डिंग हमें नी लेंथ होनी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट हम देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये मेजरमेंट्स हमें किस तरह से डालने हैं। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर लेंथ यानी हमारी जितनी लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नी लेंथ यानी घुटने की लंबाई का मेजरमेंट दिया हुआ है। आपकी जिसी लंबाई है आपने पैंट की, उसी के अकॉर्डिंग हमारी घुटने की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर देखो, 31 इंच को 15.5 तक हमें घुटने की लंबाई लेनी है, 32 इंच तक 16.5 तक घुटने की लंबाई लेनी है। इसी प्रकार ये सारे मेजरमेंट्स हमें रीड करने हैं। और यहाँ पर घुटने की लंबाई जब हम लेंगे तो उस वक्त हम इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो हम दूसरा चार्ट अभी देखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो चार्ट मैंने दिया हुआ है वो है सीट राउंड आसन, नी राउंड घुटना और बॉटम। हमारा जितना सीट राउंड है यानी आसन है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर घुटने का यानी नी राउंड का और बॉटम का मेजरमेंट लेना है। हाँ, अगर आप बॉडी के ऊपर मेजरमेंट्स लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बॉडी के ऊपर आपको मेजरमेंट्स लेने में दिक्कत हो रही है या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चार्ट के अनुसार अगर मेजरमेंट ले लेते हो तो ये बराबर परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीट राउंड के अकॉर्डिंग हम नी राउंड और बॉटम लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात, नी राउंड जब हम मेजरमेंट्स डालेंगे तो उस समय इस नी राउंड में आपको 1 इंच मिलाकर उसका हाफ करके मेजरमेंट डालना है, वो हम मेजरमेंट डालते वक्त देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, अगर आपका सीट राउंड 36 यानी 36 इंच है और नी राउंड आपका 14 इंच है तो उसमें 1 इंच आपको मिलाना है, यानी कि वो 15 इंच हो जाएगा, और उसका हाफ यानी 7.5 इंच पर आपको मेजरमेंट डालना है। तो इस प्रकार इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ जितना बॉटम का मेजरमेंट है उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन मिला सकते हो। अगर आप फिटिंग में लेना चाहते हो तो जितना मेजरमेंट्स दिया हुआ है बॉटम का उतना ही ले लीजिएगा। तो चलो हम अब हमारा चूड़ीदार का कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बायस फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखी है, नीचे की साइड की, और हम अपने बॉटम का मेजरमेंट डालेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो बॉटम है वो है 9.5 इंच, जो कि हमने चार्ट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो 9.5 का हम हाफ करते हैं तो उसका आता है 4.25 इंच। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे, यानी 4.75 इंचेस पर हमें यहाँ पर मार्किंग करना है, प्लस उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच। आप जितना मार्जिन रखना चाहते हो उतना यहाँ पर रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन इसमें ऐड कर दिया है, तो 4.25 इंच प्लस 1.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्किंग कर दिया।
अब ये हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे नीचे की ओर। लाइन ज्वाइंट करके हम यहाँ पर मार्जिन का मार्किंग भी कर देंगे जो कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ऊपर की ओर हमें जितनी चुन्नी रखना चाहते हैं हम हमारे चूड़ीदार में उतना आप रख सकते हो। आप 5 इंच से लेके 15 इंच तक, 18 इंच तक ऊपर की ओर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 15 इंच ऊपर की तरफ ले लिया है, यानी कि मैं अपने चूड़ीदार में 15 इंच तक चूड़ियाँ रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर दिया और जितना बॉटम के साइड में मैंने मेजरमेंट लिया था 4.5 इंच, उतना ही मैंने ऊपर भी रखा हुआ है जहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है जैसा कि वीडियो में दिखाया है। अब ये लाइन हम ऊपर की लाइन नीचे की लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। मैंने ऊपर के साइड में 4.5 प्लस 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में 1.5 इंच के मार्जिन का निशान बना दिया और ये मार्किंग हम अब स्केल से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो मैंने मार्किंग किया है ये हमारा पूरा यहाँ पर चूड़ी आएंगी। अब हमारी लेंथ 41 इंच है, तो हम यहाँ से देखिए यहाँ पर 41 इंच हमारी लेंथ है और हमारी बेल्ट 7 इंच है, ठीक है। तो अब हम किस तरह से मेजरमेंट लेंगे, तो मेजरमेंट लेते समय हम नीचे की ओर 41 इंच जितनी हमारी लेंथ है उस नंबर को नीचे की ओर रखेंगे। तो देखो जैसा कि यहाँ पर दिखाया है 41 इंच यहाँ पर आ रहा है, वो मैंने नीचे की लाइन पे रखा है यहाँ पर 41 इंच, और वैसे ही ऊपर जाना है। अब ऊपर की ओर से 7 इंच छोड़ देना है बेल्ट का और वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। इस प्रकार हमें ये मेजरमेंट लेना होता है। यहाँ पर देखो 41 इंच नीचे की तरफ लाइन पे रखा है जहाँ, और ऊपर की तरफ हमने 7 इंच छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने 7 इंच छोड़ा है वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे, वहाँ पर हमारी लेंथ आएगी, लेंथ का हमारा पूरा मेजरमेंट वहाँ तक आएगा। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया ऊपर से 7 इंच छोड़कर। इस तरह से हमें हमारी लेंथ का मेजरमेंट लेना होता है। देखो ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ा है और नीचे यहाँ पर हमारा 41 इंच आ रहा है, तो ये हमारे बराबर से लेंथ का मेजरमेंट हो गया। अब हमें देखना है हमारी नी लेंथ, तो वो है 24 इंच पे। तो हमें टेप को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ते हुए हम 24 इंच मेजर करेंगे कहाँ तक आता है। तो यहाँ पर 24 इंच पर यानी 24 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। देखो हमने टेप को बिल्कुल भी नहीं हिलाया है, वैसा ही रखकर 24 इंच जहाँ आता है वहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब हमारा नी जो नी राउंड है वो 14.5 इंच है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 14.5 इंच में, तो वो हो गया 15.5 इंच। अब उसका हाफ करेंगे तो वो आता है 7.25 इंच, ठीक है। तो 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच उसमें सिलाई मार्जिन मिलाएंगे, तो वो हो जाता है 7.25 इंच हो जाता है, तो वहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7.25 प्लस उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर मार्किंग कर दिया, ठीक है। ये हमारा बराबर से आ गया है। अब ऊपर की तरफ हम देखेंगे, तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर आगे की तरफ कपड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कार्ड शीट है, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी रख सकते हो। ये देखो किस तरह से रखना है, बराबर से हमें ये स्ट्रेट रखना है इस तरह से। अब हम इस कार्ड शीट के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से आप कार्ड शीट रख दीजिएगा। यहाँ से लाइन खींच देनी है, ये हमारी मार्किंग लाइन हो गई। अब इसके आगे हम मेजरमेंट डालेंगे, तो यहाँ से यहाँ हमें क्रॉच लेंथ लेनी होती है। तो क्रॉच लेंथ देखो हमारी कितनी आई है, सीट का तीसरा हमने किया हुआ है और वो हमारा आ गया है 12.6, यानी 12.5 के आसपास हमारी क्रॉच लेंथ आ गई है। तो यहाँ से यहाँ हमें क्रॉच लेंथ लेनी है, तो क्रॉच लेंथ का मेजरमेंट भी हमें बिल्कुल उसी तरह से लेना है जिस तरह से हमने हमारी लेंथ का मेजरमेंट लिया था। 7 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट का छोड़ना है, देखो ये हमारा 12.5 इंच है, तो उसमें से 7 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट का छोड़ेंगे इस तरह से बिल्कुल, और नीचे की तरफ जहाँ 12.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। आप अगर थोड़ा सा लूज रखना चाहते हो क्रॉच लेंथ अपनी, तो आप यहाँ पर आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यह मैंने यहाँ पर बराबर से 12.5 इंच पर मार्किंग कर दिया है,
आप लूज रखना चाहते हो तो हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो अपनी क्रॉच लेंथ। ऊपर की तरफ हमने देखो 7 इंच छोड़ा है और यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब जितनी हमारी क्रॉच लेंथ है उतना ही हमें आगे की तरफ लेना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमारा 12.5 इंच है, तो यहाँ से यहाँ भी हम 12.5 इंच ही लेंगे। आप अगर लूज रखते हो अपना चूड़ीदार तो आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा, क्रॉच लेंथ से एक्स्ट्रा 1 इंच रख दीजिएगा आप यहाँ पर। आप यहाँ पर 1 से 1.5 इंच लूज रख सकते हो, ताकि अगर हम लूज रखते हैं तो उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत चूड़ीदार में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने बराबर से लिया है, लेकिन आप यहाँ पर 1 से 1.5 इंच लूज रखिएगा। यहाँ पर देखो मैंने उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड किया हुआ है, यानी 12.5 प्लस उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड कर दिया है और सिलाई मार्जिन का मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप यहाँ पर क्रॉच लेंथ से 1 इंच ज़्यादा लूज रखिएगा, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा लूज रहने से ये बराबर से आएगा। इस तरह से ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हमें करना क्या है, तो क्रॉच लेंथ के ऊपर यहाँ सिलाई मार्जिन हम छोड़ देंगे और सिलाई मार्जिन के अंदर हमें 1.5 इंच लेना है। इस लाइन से अंदर की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ पर बराबर से 1.5 इंच पर मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया 1.5 इंच पर। अब ये लाइन सीधी हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जहाँ तक हमारा लेंथ का मार्किंग हमने किया हुआ है, ये हमने ऊपर की तरफ जॉइंट किया। अब जहाँ पर हमारे लेंथ का मार्किंग है वो लाइन सीधे आगे की तरफ बढ़ाकर उस लाइन को हम जॉइंट कर देंगे। ये हमारी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, हमने सिर्फ 1.5 इंच अंदर की तरफ ले लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से कर्व बनाना है। आप हाथ से इसे कर्व बना सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच लेकर आप कर्व बना दीजिएगा, ये बराबर से 1.5 इंच है। अब हम नीचे की लाइन ज्वाइंट कर देंगे। उसके लिए हम हिप कर्व, यानी हिप कर्व की स्केल जो होती है, कर्वी स्केल, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप हाथ से भी यहाँ पर कर्व दे सकते हो। अब यहाँ से यहाँ हम लाइन ज्वाइंट कर देते हैं। सबसे पहले हम सीम लाइन, यानी जहाँ पर हमारी सिलाई आएंगी वो लाइन हम ज्वाइंट कर देंगे। वीडियो में जिस तरह से दिखाया है आप उसी तरह से ज्वाइंट कर दीजिएगा। हाथ से भी आप इजीली कर्व दे सकते हो। अब हम हमारी मार्जिन लाइन ज्वाइंट करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने सीम लाइन हमारी ज्वाइंट की थी। इस प्रकार ये हमारा पूरा मार्किंग यहाँ पर हो गया है हमारे चूड़ीदार का। अब हम यहाँ से यहाँ इसे कट कर देंगे। तो ये हम कट कर देते हैं। चूड़ीदार के लिए कपड़ा लेते समय हमारी जितनी लेंथ होती है उसका डबल हमें कपड़े की ज़रूरत होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चूड़ीदार के लिए कपड़ा ले सकते हो। यहाँ पर ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। अब हम ये साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नॉच लगाएंगे। स्टिचिंग करते समय इस नॉच को नॉच मिलाते हुए हमें यहाँ पर फिटिंग करना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 से 4 नॉच लगा देते हैं। हमने नॉच यहाँ पर पूरी तरह से लगा दिए हैं। अब ऊपर की तरफ का ये पैनल हम साइड में कर देंगे और जो साइड में कपड़ा निकल आया है उसके ऊपर उसका कटिंग कर देंगे हमारे जॉइंट के लिए। लेकिन उसके पहले ये जो मेजरमेंट्स है ये हम मार्किंग व्हील की मदद से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे थोड़ा प्रेस करने से ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ आ चुके हैं।
यहाँ पर ये वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इजीली मैं उसके ऊपर मार्किंग कर सकती हूँ। ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने सारे पैनल के ऊपर इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ पर जो फोल्ड होता है वो हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर चॉक की मदद से ये मैंने मार्किंग कर दी है। ये दोनों लेग्स के जो पार्ट है उसके ऊपर हमने मार्किंग कर दिया है। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर हमारे जॉइंट का कटिंग करेंगे। ये जो जॉइंट है ये देखो हमारा इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर अंदर की तरफ हाफ या पौना इंच लेकर एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने पौना इंच रखकर लाइन खींची है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जॉइंट के लिए मार्जिन की ज़रूरत होगी। पौना इंच के लाइन के ऊपर हम ये कट कर देंगे। अब ये हमारा जो जॉइंट है ये इस तरह से यहाँ पर जॉइंट होगा। अब ये हम कपड़े के ऊपर एडजस्ट करके रखेंगे और कपड़े के ऊपर इसका कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे चार लेयर यहाँ पर है, तो ये हमारे चार लेयर यानी चार जॉइंट हमारे निकल आएंगे, जो कि हमारे एक लेग्स के पार्ट को दो जॉइंट लगने वाले हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग लगाकर इसका कटिंग करना है। अब हम इसे कट कर देंगे। ये जो हमारे जॉइंट निकल आए हैं हम इसे हमारे लेग्स पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड सीम का मार्जिन का मार्किंग कर देंगे यहाँ पर, ताकि जॉइंट करते समय इस मार्जिन के मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अटैच करेंगे। ये मार्किंग हम नीचे के जॉइंट के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि ये जो जॉइंट है हम अटैच करते समय हमारे समझ में आ जाए कि ये हमें कहाँ से कहाँ जॉइंट करना है। चारों जॉइंट के ऊपर हमने ये मार्किंग कर दिया। अब हम ये साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम हमारे बेल्ट का मार्किंग करेंगे। ये हमारे चार लेयर है कपड़े के। यहाँ पर हमारी बेल्ट जो है वो 7 इंच है, प्लस 2 इंच उसमें ऐड करेंगे ऊपर की ओर नाड़े के लिए पट्टी फोल्ड करने के लिए। इसकी विड्थ लेंगे हम सीट का 1/4, प्लस उसमें आप 2 इंच ऐड कीजिएगा। ये हमारे 4 लेयर हैं, इसीलिए हमने सीट का 1/4 प्लस उसमें 2 इंच ऐड किया है। आप यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा लूज बेल्ट नहीं लेना चाहते तो। अब हम ये कट कर देंगे, हमारी बेल्ट यहाँ से निकल आएगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारे बेल्ट के कपड़े हैं।